हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो आज का मौसम यहाँ पे बहुत सुहाना, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। आज यहाँ पे बारिश भी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, बहुत सुंदर अच्छा मौसम है। ठंडा एकदम कूल मौसम हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखो मेरी बेटी भी आ गई मेरे पीछे पीछे, कितना सुंदर मौसम हो रहा है। तो मेरे पतिदेव जी तो ऑफिस गए और मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है। मैं और मेरी बेटी आज घर में, आज क्या हमेशा घर में मैं मेरी बेटी रहती है। जब से मेरे बेटे के स्कूल खुले हैं, अभी इसके 18 तारीख से स्कूल खुले हैं। केवी में पढ़ता है, तो केवी के स्कूल जल्दी खुल जाते हैं 18 तारीख से। ये देखो मेरी बेटी, ये देखो कितना इसने अभी टी शर्ट कैसे पूरी गीली कर लिया। अब ये कह रही मेरे को नेल पेंट लगाओ मम्मी। ये देखो नेल पेंट लगाने को कह रही है मुझे। अच्छा है नेल पेंट लगाने को कह रही मेरी बेटी। तो कल मैंने जो कपड़े धोए थे, कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा अपने इन कपड़ों की तय मारने की। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास कल जो मैंने धोए थे। अब मेरे को टाइम मिला है तो अब मैं इन सब की तय बनाती हूँ, क्योंकि कल मेरे पतिदेव जी के कोई मिलने वाले थे, तो वो कल आए थे यहाँ पे हमारे घर पे। तो वो कम से कम 2-2.5 घंटे आराम से मिल के बैठ के गए हैं। तो कल मुझे बिल्कुल टाइम लगा नहीं, फिर डिनर बनाना था। डिनर तो चलो मैंने पहले सब्जी बना रही थी, तो गरम गरम मैंने फुलके सेके थे, तो इस वजह से मुझे कल बिल्कुल टाइम नहीं लगा। थोड़ी मेरी गुड़िया परेशान करी थी, आज मुझे टाइम लगा है। तो आज मैं इन कपड़ों की तय बना लेती हूँ फटाफट से। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े हैं। बहुत सारे कपड़े हैं। अब मैं इन सबकी कपड़ों की पहले तय बनाती हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। मैं कपड़ों की तय बना रही थी, तो मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी थी, कितनी शांत से बैठी हुई है। ये देखिए, और नेल पेंट अपने मुंह पे ले रखा है। और ये मुझे कह रही थी कि मम्मी मेरे को नेल पेंट लगा दो। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगा दूंगी नेल पेंट। तो कितने आराम से नेल पेंट लगवाने के लालच में मेरे पास आराम से बैठी हुई है, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी मेरी बेटी। ये कपड़े की तय मेरी बन गई है। ये देखिए, ये मेरी बेटे के कपड़े, ये बेटे का टावल, ये मेरे पतिदेव जी के कपड़े और ये मेरे बेटे के कपड़े। अब मैं इन सबको अलमारी में रख दूंगी। अब मैं सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो पहले मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ सजा के। कपड़े सारे रख दिए हैं अलमारी में, ये देखिए पूरे सेट करके मैंने रख दिए हैं। ये मेरी बेटी ने देखो कपड़े यहाँ पे, अपने कपड़े यहाँ रख दिए भैया की अलमारी में। इन्हें क्या किया, अभी मैंने कपड़े की तय बनाई है, इन्हें इतने सारे कपड़े की तय बिगाड़ दी। अब बेडशीट दिखाती हूँ मैं आपको, डेली बेडशीट की ये ऐसी हालत कर देती है, मुझे एक काम को दोबारा करना पड़ता है। मैं आपको दिखा दिया, ये मेरी मैडम बैठी है यहाँ, देखो अब इसको नहलाया नहीं है, अब इसको नहलाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आज मौसम अच्छा ठंडा हो रहा था, तो मैंने इसको भी नहलाया नहीं है। ये देखो इसकी मटर गस्ती, पूरे बेड की इसने ऐसी की तैसी मार दी। अब मुझे फिर से सारे कपड़े की तय बनानी पड़ेगी। अब क्या मारूँ मैं तो छोटे बच्चे को खेलने दो। ये देखो सारे कपड़ों किसने तय बिगाड़ दी मेरी बेटू ने। क्या किया ये आपने, ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, पीयू ने किया, क्यों किया पीयू ने, हाँ क्यों किया पीयू ने ये। अब मुझे सारा ये देखो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, सबकी तय बनानी पड़ेगी फिर से मेरी काम आपने बढ़ा दिया। हाँ चलो जल्दी से कपड़ों की तय बनाओ, जल्दी से चलो जल्दी फटाफट, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कपड़ों की तय बनाती हूँ सबसे पहले, फिर मैं अलमारी में रख देती हूँ, और ये पूरी बेडशीट मैं सही से कर लेती हूँ फटाफट से। बेडशीट मैंने सही कर दी है, ये देखिए। अब देखना थोड़ी देर बाद गुड़िया इस बेडशीट का फिर से क्या हाल करेगी। थोड़ा देखो यहाँ पे मैंने सही की थी, अभी इसने फिर वैसे कर दी, यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ थोड़ा। अब मैं इसको जारी नहलाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। नाई देखो नहाने के लिए तैयार हो गया, चलो नहाने चलो 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 जल्दी चलो चलो। अब मैं इसको नहा के फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। हाँ अब बताओ बाबू कहाँ से लाऊँ मैं इसके लिए, बाबू बोलती है। हाँ
मेरी बेटी नहा के तैयार हो गई, ये देखो कैसे झूम रही है। अब कह रही है बाहर जाने के लिए, बाहर बारिश हो रही है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बारिश यहाँ पे हल्की फुल्की हो रही है। अब बाहर जाके पता चलता है, मेरी बेटी तो बाहर जाने को कह रही है। आओ बाहर चलो, देखो बाहर जाने को कह रही है बेटी मेरी। लाइट जलाती, अंधेरा हो रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश हो रही है बाहर। चलो बाहर चलो। ये देखो फ्रेंड्स, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो अच्छी खासी बारिश है। मौसम अच्छा हो रहा है तो इसको भी मस्ती आ रही है पीहू को। ये देखो मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया बारिश में भीगने के लिए कह रही थी। अब मैं अंदर चुपचाप से बैठ जाती हूँ, ना मैं बाहर जाऊँगी ना ये बारिश में भीगेगी। अगर भीग गई तो बीमारी पड़ सकती है बेटी मेरी, तो मैं बाहर नहीं जा रही इस वजह से, क्योंकि बच्चे तो नटखट होते हैं, नादान होते हैं, इनको अच्छे भले का कुछ पता नहीं होता। तो अभी इसको नहलाया है मैंने, तो नहला के तुरंत बारिश में नहाएगी तो सही नहीं है। ये देखो पूरी मस्ती में है। A few minutes later. मैं अभी सो के उठ गई हूँ, मेरी बेटी अभी सो रही है। और मैं सो के उठी तो देखा डाल का आम बाहर गिरा हुआ था, तो मैं उठा के लाई हूँ, तो मैं इसको धो के अब खाऊंगी। और मेरी बेटी सो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कितने। ये देखो मेरी बेटी कितने मज़े से सो रही है, अभी इसको सोने देते हैं। अभी बज रहे दोपहर के 3:30, इसको उठाऊँगी 4 बजे। सो रही है, जब तक मैं डाल का आम खा लेती हूँ। ये देखेगा ये डाल का आम कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में कितना टेस्टी लगेगा मैं आपको बता नहीं सकती। डाल के आम का टेस्ट इतना अच्छा होता है, ये तो मन भर जाता है खा के, क्योंकि इतना मीठा और इतना टेस्टी होता है मत पूछो। बहुत अच्छा है। मेरा बेटू आ जाओ, मेरा बेटा देखो छो के उठ गया। बाबू मेरा, बेटी मेरा छो के उठ गया है। और छो गए और छोएगा, चलो गुदगुदी करेंगे बाबू को, पी को गुदगुदी करेंगे, गुदी गुदी पी को गुदगुदी करेंगे, गुदी 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 पी को गुदगुदी करेंगे, गुदी 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 गुदी। बज रहे हैं इवनिंग के 4:30, तो मेरी गुड़िया भी सो के उठी है। सो के तो काफ़ी देर हो गए, 15 मिनट हो गए उठे को। अभी सुस्ती उतार रही है, ये देखो अभी इसकी सुस्ती नहीं उतरी, वो देखो सुस्ती उतार रही है 15 मिनट से। देखो हेलो बोल दो, हेलो कर दो, है देखो हेलो कर रही है सबको। तो अभी इसका दूध पीने का टाइम हो गया है, अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी। अभी हम पीहू को गुदगुदी करेंगे, देखो रो पड़ी पीहू को लाइव गुदगुदी गुदगुदी पीहू गुदगुदी करेंगे, गुदगुदी करेंगे पीहू को गुदगुदी करेंगे, पीहू को गुदगुदी करेंगे, अरे वो कितने ड्रामे कर रही है। अपने सारे कपड़े इसने पूरे बेड में बिखेर दिए हैं। और ये देखो इसको बड़ी टी शर्ट पहन ली है, ये इसको गिफ्ट में मिली थी, हमने कभी इसको पहनाई नहीं, पर इसने अलमारी में से निकाल के जिद करके खुद पहन ली टी शर्ट। कैसे पहन ली पता नहीं, वैसे ज़बरदस्ती पहनी अपने से। ये देखो कितनी बड़ी टी शर्ट पहनी है, ये है इसके ड्रामे। अब डांस कर रही है इसको पहन के, पीयू अच्छा है। देखो अब अच्छा है, अच्छा है बोल रही है। मैं वहाँ पे इसके सारे कपड़े रखती हूँ, सारे कपड़े उसने तहस नहस कर दिए। अब मुझे फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कपड़ों की तय बनानी पड़ेगी सब फिर से। और ये देखो अपनी साइकिल का उसने क्या हल किया, पाउडर से पूरी साइकिल नहला दी, जैसे नहाई हो साइकिल पूरे पाउडर से। ये देखो, और साइकिल अपनी बेडरूम में ही खड़ी करेगी, बाहर खड़ी करने नहीं देती है ये इतनी शैतानी करती है। ये देखो ध्यान से देखो इस लड़की को, बहुत शैतानी करती है ये, बहुत नटखट नटखट है मेरी बेटी। अब पार्क जाने को कह रही है पापा को, पार्क चलो। बहुत शैतानी करती है ये, देखो पापा के साथ खिलंतरी कर रही है। डिनर में मैंने आज कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया, सुबह मैंने सैंडविच बनाए थे, तो वही मेरे पास आलू थोड़े रखे हुए थे, तो इसी का मैं परांठा बना लूँगी। ये देखिए गाइस,
ये मेरे को परांठे, ये मेरे को आलू रखे हुए पहले के मॉर्निंग बनाया था सैंडविच बच्चों के लिए, और ये थोड़े बच गए थे इस वजह से मैंने कहा कि चलो इसके परांठे बना लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ परांठे बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। मेरी बेटी परेशान कर रही थी, अभी भी देखो घूम रही है इधर से उधर, उधर से इधर। आज यहाँ बारिश हो रही है, इस वजह से आज हम भी, आज हमारा प्लान था डी मार्ट जाने का, आज का प्लान भी हमारा कैंसिल हो गया डी मार्ट का। अब कल कोशिश करेंगे, पक्का देखेंगे अगर बारिश ना हुई तो। आज शाम से ही मेरे ख्याल से 5:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी तक हो रही है, बादल गरज रहे हैं यहाँ, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। मॉर्निंग की बारिश हुई थी यहाँ पे और अभी भी हो रही है बारिश, बादल गरज रहे हैं, इस वजह से हमारा डी मार्ट जाने का प्लान कैंसिल हो गया। तो कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, बच्चों को लेके सही नहीं है बारिश में जाना, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो बच्चों के साथ थोड़ा रिस्क हो जाता है मार्केट जाना, तो कल देखते हैं जाना होता है या नहीं होता। अगर जाना हुआ तो मैं आपको व्यू जरूर दिखाऊंगी, हम क्या शॉपिंग करेंगे वहाँ पे। 2 दिन से तो प्लान कैंसिल हो रहा है हमारा, फाइनली कल देखते हैं कल हमारा क्या प्लान बनता है। फटाफट से मैंने डिनर बना लेती हूँ, बेटा भी एकेडमी से खेल के आया, उसको लग रही है भूख, कह रहा है खाना दे दो, तो मैं बना लेती हूँ परांठे जल्दी से देर ना करते हुए। मैं परांठे सरसों के तेल में बनाती हूँ, रिफाइंड में यूज़ नहीं करती क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, मतलब अच्छा नहीं होता रिफाइंड का तेल। तो सरसों का तेल पहले मैं तवे में ऐसे गर्म कर लेती हूँ कि जो इसकी जो स्मेल होती है, सरसों के तेल में थोड़ी स्मेल आती है तो इससे दूर हो जाता है स्मेल। अब मैं इसको कटोरी में पलट लूँगी तेल को, ये मैंने कटोरी में तेल पलट लिया है और ये मैं डाल दूंगी इसमें रोटी, एक मैंने सारी रोटी सेक ली है, ये देखिए सारी रोटी मैंने एक साथ पहले सेक ली है। अब मैं ये जो मेरे बचे हुए थे आलू हैं सुबह जो बनाए थे मैंने सैंडविच, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको मैं रोटी में ऐसे फील कर दूंगी। और थोड़ा मेरे पास मेयोनीज रखा हुआ है, ये मेयोनीज मैं थोड़ा डाल दूंगी इसमें ऐसे चम्मच के सहायता से, इसको ऐसे थोड़ा चला देंगे। थोड़ी मेरे पास टमाटो केचप रखी है, सॉरी सॉस रखी है, टमाटो सॉस, इसको ऐसे इसमें थोड़ा डालेंगे ऐसे, फिर इसको एक के ऊपर एक ऐसे रख के थोड़ा इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे, फिर इसको तवे पे ऐसे डाल देंगे हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का इसमें तेल लगाएंगे। अगर ज़्यादा तेल लगाएंगे तो करारा नहीं होगा, अगर हल्का ऑप्शनल है, आप घी भी लगा सकते हो, रिफाइंड भी लगा सकते हो, बट मैं तेल लगा रही हूँ सरसों का। इसको वैसे पलट देंगे, मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं ये, जैसे कई बार सब्जी बच जाती है मेरी, कोई सी सब्जी बच जाए जैसे बैंगन आलू या फिर शिमला मिर्च की सब्जी, तो मैं रोटी में ऐसे ही भर के बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा अपने घर में, बहुत यम बहुत टेस्टी बनता है ये। अब मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ डिनर, उसको बहुत थोड़ी सी सॉस मैंने डाल दी है, इसके बच्चे खा लेंगे। हम अपने बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है, देखो कितनी लगन से पढ़ाई कर रहा है, टॉप करेगा लगता है 10th क्लास में। यही मैं इसको नाश्ता डिनर दे रही हूँ खाने के लिए, अभी अपना डिनर कर लेगा फटाफट से। मेरी बेटी का खाने का टाइम हो गया, देखो ये खाना कैसे खाती है, हाथ में पापा का फ़ोन पकड़ा हुआ है इसने और साथ में मम्मी खाना खिला रही है पीहू को, ऐसे ऐसे खाना खाता है मेरा बेटा, देखो फिनिश करो जल्दी जल्दी। ये 200 का, और ये कितने का है?
बस ये खाना खाने के टाइम ही फ़ोन चलाती है, उसके बाद मैं इसको कोई फ़ोन नहीं देती हूँ। जब ये खाना खाती है तभी इसके हाथ में फ़ोन आता है, और बाकी मैं इसको फ़ोन बिल्कुल नहीं देती हूँ। बेटा मेरा खाना खा चुका है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है। किचन मेरी पूरी नीट हो गई है ये देखिए, और बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। है नाइट के 9 बजे तक हमारा सब काम हो गया, डिनर हो गया, धुल गए, और बस नाइट वॉक के लिए जाना था, बट मौसम थोड़ा ख़राब है तो मौसम जवाब नहीं दे रहा मौसम जवाब नहीं दे रहा नाइट वॉक। पतिदेव जी बोल रहे हैं जाएंगे, तो क्या पता लेके जाएं हमें। पतिदेव जी तो बोल रहे हैं जाएंगे तो जाएंगे। अब अपनी बेटी को दिखाती हूँ, ये देखो फ़ोन चला रही है। अभी मैं से लूँगी फ़ोन, मैं अभी मैं भी बर्तन साफ कर रही थी तो इसको फ़ोन दे रखा था, क्योंकि ये रो रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं फ़ोन चला लो आप। तो अब इससे फ़ोन लेके फिर हम जाएंगे नाइट वॉक करने। नाइट वॉक करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नाइट वॉक करने मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर तो अंधेरा हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है। हम नाइट वॉक करके आ गए हैं। बेटा अपने लिए दूध गर्म कर रहा है पीने के लिए, वो अपने से कर लेता है, और साथ में लेट नाइट पढ़ता है तो पढ़ाई कर रहा है अपनी कंप्लीट। असाइनमेंट मिला है शायद उसको स्कूल से, तो वो बना रहा होगा। और मेरी बेटी अभी देखो सैर करके आई है, लेट गई है आराम से, मस्त होके फ़ोन चला रही है। पतिदेव जी के फ्रेंड का फ़ोन आया है तो वो बात कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। ये देखो कर रही है।